Hey guys, how are you all? A warm welcome to all of you. This is an academy channel. I'm your science educator. My name is Seema Priya. So let's start with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience in school. I taught around 4,000 students for class 6 to 10th standard in CBSE school. I have done my BEd and also cleared CTET. It has always been a dream for me to take part in such kind of activities which I am doing, and I think it's the best place to do so because I think it's the largest learning platform in India, an academy. That's why I always wanted to be part of this institution, you can say. Okay, next is, it's a promising brand. An academy is a promising brand. Okay. So, welcome to all of you. This crack CBSE Class 7 with India's largest learning platform. Okay, so I'm going to discuss with you about the iconic subscription. I think now it's the introducing. It's very, very helpful for all of you, bacha, kyunki yahan pe aap logo ko iconic subscription lene se kitne benefits mil rahe hain. Sabse pehla, पर्सनल मेंटोर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने वन टू वन बात कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कई बच्चे क्लास में शाई फील करते हैं, कैसे मैं पूछूं क्वेश्चन, कैसे। यहाँ पे पेरेंट कनेक्शन भी है आप लोगों का, पेरेंट्स जो है वो फीडबैक ले सकते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स होते हैं पेरेंट्स के लिए टू डिस्कस लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट, लाइक स्कूल स्कूल में जिस तरीके से होता है, यहाँ पे आपको वो चीज दी जा रही है। लाइव डाउट सेशंस होते हैं यहाँ पे आप लोगों के, अगर आप लोगों को इफ यू हैव एनी डाउट, इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर, ठीक है, आप लोगों को उसके लिए भी लाइव डाउट सेशंस होंगे जहां पे अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, क्लियर आउट कर सकते हो। और बाकी जितने प्लस सब्सक्रिप्शंस में जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो आप लोगों के यहाँ पे भी है। जैसे कि सबसे पहला लाइव क्लासेस होगा, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल है आप सबके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, जल्दी कीजिए। आई थिंक इससे अच्छा मौका आप लोगों के लिए नहीं होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आप सभी के पास काफी सारे बेनिफिट्स है यहाँ पे भी, कि डेली लाइव क्लासेस हो रहे हैं, डिस्कस कर सकते हैं आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं जहां पे आप अपने जितने भी कोर्सेज हैं आप लोगों के हर सब्जेक्ट के, वो एक प्लान मैनर में बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि इसी टेस्ट एंड क्विजेस से ही यू कैन एनालाइज योर सेल्फ, हाउ मच यू हैव डन, हाउ मच यू नीड मोर, कहाँ पे लैक कर रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ। कई बार यू फील कि मेरा सारा सिलेबस हो गया, बट जब आप टेस्ट देते हो देन यू रियलाइज और यू एनालाइज कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पे थोड़ी मेहनत की और जरूरत है। अनलिमिटेड एक्सेस है यहाँ पे, एक सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके साथ बाकी सारे सब्जेक्ट के सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेंगे। और इसकी स्टार्टिंग सिर्फ कितने में है, 788 रुपीज पर मंथ में स्टार्टिंग है इसकी। और आप लोगों की लाइव क्लासेस लेने के लिए आप लोगों के टॉप एजुकेटर्स यहाँ अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप किसी एक एजुकेटर से आपने सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना स्टार्ट किया और आपका मन हुआ कि नहीं मुझे इससे नहीं इससे पढ़ना है, यू आर फ्री टू डू सो। आप लोग बिल्कुल फ्री हो, ठीक है, आप जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, क्वांटिटी क्वालिटी साथ साथ मिल रही है। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, आपकी 6 कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, 1 अपकमिंग है यहाँ, 4 कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ, यहाँ आप लोगों के 3 कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, आपकी 3 कोर्सेज अवेलेबल है, 1 अपकमिंग है। इतने सारे बेनिफिट्स आपको कैसे मिलेंगे, ओनली यू हैव टू डू ओनली वन स्टेप। सीधे अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पे जाके, और फिर ये सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप अन अकेडमी का एक हिस्सा बन सकते हैं। और आपको टेलीग्राम ऐप भी बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जितने भी आप लोगों के नोटिफिकेशन है, कौन सी लाइव क्लास होने वाली है, कब कौन सा इवेंट होने वाला है, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम
this app. Okay, so how much you have to pay for this? For 1 month, you have to pay 2,500 rupees. 6 month के लिए 10,000. 12 months के लिए 15,000. And 24 months के लिए 25,000. Okay. Again, you are getting the discount, बच्चा. 13,500 आपको 12 months के लिए पे करना है. And 24 months के लिए आपको सिर्फ 22,500 पे करना है. And if you will use my code, बच्चा, यहाँ पे देखो मेरा code है, then you will get 10% extra discount. Is this clear to all? So अगर मैं as a teacher आपको suggest करूँगी, so you have to take 12 month और 24 month subscription, क्योंकि 1 month और 6 month जो है आप लोगों के लिए इतना useful नहीं होगा अगर आपकी preparation नहीं हो रखी है. Is this clear? Okay, so today we are going to learn about a new chapter, that is physical and chemical change. Okay, first of all, before going to that topic, I want to discuss with all of you that what is actually change? Change means what? The process in which there is a change in state, color, shape, size, property, chemical composition and structure of the substance is called change. Agar aap apne hair style mein karte ho, कि आपने आज ऐसे हेयर स्टाइल बनाया, खुले बाल किए, कल आपने बांध दिया, आपने क्या किया? शेप में चेंज लाए, लेके आए, ठीक है. साइज में चेंज कैसे लेके आओगे? आपने जो ड्रेस पहनी है, किसी किसी दिन आपने शॉर्ट ड्रेस पहन ली, किसी दिन आपने लॉन्ग ड्रेस पहन ली, वहां पे साइज में. तो जब इन सारी चीजों में चेंजेस आते हैं ना, एक्चुअल में वही चेंज है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is this clear? So, इसी को change कहते हैं. So, basically, आप लोगों को यहाँ पे मुझे before going to this physical and chemical changes, इसकी definition पे जाने पे और जाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ठीक है, कि ये broken pencil है तो ये कौन सा change होना चाहिए आपके हिसाब से, और ये कौन सा change होना चाहिए, burning of wood, आपका ये क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, omelet and this, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑमलेट कुक कर रहे हैं, एंड दिस इज योर मेल्टिंग ऑफ आइस. ये सारे कौन कौन से चेंजेस हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम देख लें कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते क्या हैं. सो फिजिकल चेंज मींस द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एक्सपीरियंसेस अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. बच्चा, फिजिकल का मतलब होता है, आप इस वर्ड को ना अपने माइंड में पूरी तरीके से क्लियर कर लो कि फिजिकल का मतलब क्या है. फिजिकल का मतलब होता है अपीयरेंस. जो चीज आप आकार में, शेप में, साइज में, अपीयरेंस में, स्टेट में, कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कौन सा स्टेट है, ठीक है, उसमें जब चेंज लेके आते हो, दैट इज योर फिजिकल चेंज. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके. सो केमिकल चेंज मींस जहां पे आपका शेप, साइज, आकार से कोई मतलब नहीं है, यहां पे जब किसी भी चेंज में, जब किसी भी सब्सटेंस से एक कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं. इट अकर्स व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइन विद अनदर, कोई भी एक सब्सटेंस किसी दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है और फिर एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, उसे केमिकल चेंज कहते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? ओके. अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा फिजिकल है. तो इसमें से ब्रोकन पेंसिल क्या है? ब्रोकन होने मतलब आफ्टर ब्रोकन डाउन इट स्टिल अ पेंसिल. ये अभी भी पेंसिल, ऐसा तो नहीं है कि अब ये कुछ और बन गया. सो इट्स योर फिजिकल चेंज. ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा. ओके ओके. मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना. क्या पिघला हुआ पानी जो है वापस बर्फ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. तो ये भी आपका क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो योर फिजिकल. इज दिस क्लियर? तो ये भी आपका क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल. ओके, आई एम इरेजिंग इट एंड राइटिंग इट अगेन प्रॉपरली. ओके, सो ये हमारा हो गया फिजिकल चेंज. दिस इज योर फिजिकल चेंज एंड दिस इज योर फिजिकल चेंज एंड दिस बर्निंग ऑफ वुड इज योर. क्यों बर्निंग ऑफ वुड केमिकल चेंज है? क्योंकि जब आप किसी भी वुड को जलाते हो तो यू विल गेट क्या मिलता है? यू विल गेट एन एश, जो राख होती है. और राख क्या है? एक न्यू सब्सटेंस है. इसीलिए कैसा चेंज है ये? ये आप लोगों का केमिकल चेंज है. इज दिस क्लियर? और ये ऑमलेट, क्या ये पका हुआ ऑमलेट वापस एग का वापस एग बन सकता है? नहीं बन सकता. इसका मतलब है कि ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर?
और देर इज अ प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन क्लियर योर डाउट बच्चा, ठीक है? ऐसे सेशंस आप लोगों के होते रहेंगे तो फिजिकल चेंज, अगेन आई एम टेलिंग यू, फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है? सो फिजिकल चेंज होता है आप लोगों का ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोगों के शेप, साइज, अपीयरेंस, स्टेट में चेंज हो रहा हो. और केमिकल चेंज होता है जब कोई न्यू सब्सटेंस बन रहा हो, व्हेन एनी न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज जो होता है टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल होता है. आई थिंक रिवर्सिबल वर्ड जो है यहाँ पे बच्चा, ठीक है, रिवर्सिबल ये है और इरिवर्सिबल ये है, ये दोनों आप सबको क्लियर होगा, ठीक है? रिवर्सिबल का मतलब होता है जो कि अपने ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है उसे हम रिवर्सिबल कहते हैं. बर्फ जो है वो पानी बन गया तो पानी वापस बर्फ बन सकता है, ये रिवर्सिबल है. एक रोटी को, एक डो को जब हमने क्या किया, हमने तवे पे डाल दिया, ठीक है, और उसे सेक दिया, उसे पका दिया, अब वो वापस नहीं बन सकता डो, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है. इज दिस क्लियर? सो फिजिकल चेंज जो होता है टेम्परेली रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज जो है वो परमानेंटली इरिवर्सिबल होता है. क्योंकि एक बार जब कोई नई चीज बन गई, अब आपने चाय बनाया, ठीक है, चाय में आपने टी लीव्स, शुगर डाला, ठीक है, मिल्क डाला, वाटर डाला, अब जो टी बन गया, क्या वो टी से आप वापस उसी वापस पहले वाली चीज लेके आ सकते हो? नहीं आ सकते, तो वो इरिवर्सिबल है क्योंकि वो केमिकल चेंज है. इज दिस क्लियर? फिजिकल चेंज में नेक्स्ट आपका है नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म. यहाँ कोई प्रोडक्ट में चेंज नहीं है. मेरे हेयर है यहाँ दिखाई दे रहा है आप सबको, ठीक है, मैंने इस हेयर को क्या किया, यहाँ यहाँ बांध दिया, ठीक है, तो हुआ क्या, मेरे मेरे जो चेंज आया है वो ऐसा है कि मैं वापस अपने हेयर को वापस खोल सकती हूँ, बालों को. लेकिन अगर मैं अपने हेयर को कट कर दूं यहां से, तो वो जो हेयर कट हो गए हैं वो वापस तो नहीं आ सकते, ठीक है? तो जब कोई नई चीज फॉर्म होती है ना, दैट इज योर केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, जब शेप, साइज एंड आपके कलर में चेंज आता है, ठीक है? फिजिकल चेंज का नेक्स्ट सी पॉइंट है आपका, जनरली एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज. ऑब्वियसली बच्चा, यहाँ पे एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब या रिलीज होगी? एनर्जी ऑब्जर्व या रिलीज तो वहां होगी ना जहां पे कोई नई चीज बन रही होगी, तो शेप में चेंज आ रहा है. तो अगर मैंने शेप में चेंज ले आई हूँ, ठीक है, अगर मैंने अपनी जो टी शर्ट है मैंने इसको रेड कलर में डाई करवा दिया, तो कलर में चेंज आया, तो इसे एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज तो नहीं हो रही ना. तो यहाँ पे फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में होता है. क्योंकि न्यू कोई भी सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वहां पे डेफिनेटली एनर्जी जो होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है या फिर इवॉल्व होता है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का, मोम का पिघलना जो होता है वो भी फिजिकल चेंज है, और आइस का पिघलना वो भी फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंज में क्या आ जाएगा? चेंज ऑफ मिल्क इंटू कर्ड, आपने दही जमा दिया, ठीक है, दही दही जमा दिया दूध से, या फिर कैंडल को जला दिया. तो ये दोनों एग्जाम्पल केमिकल चेंज में. अब आप बोलोगे कि अभी आपने यहां पे वैक्स की बात की, बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है बेसिकली वहां पे दोनों चेंज आता है, वो फिजिकल भी होता है वो केमिकल भी होता है. वो कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. इज दिस क्लियर टिल हेयर? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट इट्स टेस्ट टाइम. ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी कि कौन सा चेंज कौन सा है, ठीक है? आई एम जस्ट यूजिंग ओनली सिंबल, ठीक है? मैं आपका फिजिकल के लिए पी यूज करूंगी और मैं आप लोगों के लिए केमिकल चेंज के लिए सी यूज करूंगी, ठीक है? ब्रेकिंग अ ग्लास, अब मुझे ये बताओ फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, ठीक है? यू हैव टू टेल मी बच्चा, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? अगर इसको टूट गया तो ये स्टिल तो रहा तो कांच ही रहा ना, तो ये हमारा होगा फिजिकल चेंज, क्योंकि क्या हो रहा है, शेप में चेंज आ रहा है. इज दिस क्लियर? फ्रीजिंग अ पॉप पॉप्सिकल, ठीक है, आइसक्रीम जो होता है उसे फ्रीज करना, उसे हम वापस कर सकते हैं, तो ये भी फिजिकल चेंज है. कोई न्यू चीज फॉर्म यहाँ नहीं हो रही है. स्पॉइलिंग मिल्क, मिल्क का खराब हो जाना. अब आप देख लीजिए, अगर आपका जो दूध है वो फट जाता है, तो क्या फटे हुए दूध से आप वापस वो चीज बना सकते हो? फटा हुआ दूध एक न्यू सब्सटेंस है बच्चा. पहले वाला जो दूध था उससे फटा हुआ दूध एक न्यू सब्सटेंस है. सो दिस इज योर केमिकल चेंज. ओके ओके,
मूविंग द ग्रास, अब आप ग्रास को क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, शेप में चेंज कर रहे हो, कुछ नई चीज थोड़ी ना फॉर्म हो रही है, सो दिस इज योर फिजिकल चेंज. ओके, स्लाइसिंग ब्रेड, फिजिकल चेंज, क्योंकि स्लाइसेस ही काट रहे हो, स्लाइसेस तो अभी भी ब्रेड के ही है ना, शेप ही में तो चेंज आ रहा है ना, और तो कुछ नहीं है. रोस्टिंग मार्शमेलोज, ठीक है, तो जब हम इसे रोस्ट करते हैं तो कोई भी चीज पकने के बाद ना वो वापस अपने रॉ फॉर्म में नहीं आ सकती है. अगर कोई भी चीज पक गई है, ठीक है, कोई भी आपके मजेदार आपकी चीजें जो है, आप मतलब टेस्टी आपका फूड, आपकी फेवरेट फूड को अगर रोस्ट किया जाए तो क्या वो वापस रॉ में चेंज हो सकती? नहीं हो सकती है, कच्ची वो नहीं बन सकती. तो ये हमारा हो जाएगा केमिकल चेंज. ब्रेकिंग ऑफ एग, शेप में तो चेंज हो रहा है, सो दिस इज योर फिजिकल चेंज. एक्सप्लोडिंग फायरवर्क्स, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस में क्या आया, लाइट, लाइट प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, फायर जो आया, ये सब क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा, सो दिस इज योर केमिकल चेंज. जो धुआं धुआं निकला उसमें से, वो सब. मिक्सिंग कूल एड पैकेट्स विद वॉटर, ठीक है, अब आपने क्या किया इसको, इससे क्या किया, मिक्सिंग कूल एड पैकेट्स विद वॉटर, पानी में घोल दिया, तो क्या इससे ये वापस बन सकता है, लेकिन कलर में ही चेंज आया ना, तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल चेंज. स्क्विजिंग एन ऑरेंज फॉर जूस, तो जब स्क्विज करते हो, निचोड़ते हो, तो शेप में तो चेंज आ रहा है, तो फिजिकल चेंज. एवोपोरेटिंग वॉटर, पानी का भाप बनना, एक न्यू चीज फॉर्म हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या भाप वापस पानी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है. बर्निंग टोस्ट, जब आप टोस्ट बना लेते हो तो क्या वो टोस्ट बनने के बाद वापस रॉ ब्रेड बन सकता है, नहीं ना, तो न्यू चीज फॉर्म हो रही है, तो केमिकल चेंज हो गया. बर्निंग ऑफ वुड, केमिकल चेंज. पॉपिंग पॉपकॉर्न, केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार जब ये पक गया तो वो वापस उस फॉर्म में नहीं जाएगा. ब्लीचिंग कलरिंग हेयर, हेयर को ब्लीच कर लेना, ठीक है, कलर, हेयर कलर कर देना, तो उससे वापस तो क्या आ रहा है, ठीक है, नई चीज तो कुछ नहीं बन रही ना, सिर्फ ब्लीच ही तो किया ना, फिजिकल चेंज, कलर में ही तो चेंज आया है कि ब्लैक थे बाल आपके ब्राउन हो गए. मेल्टिंग चॉकलेट, चॉकलेट का मेल्ट होना, फिजिकल चेंज, क्योंकि ये वापस आपका वापस फ्रीज हो जाएगा अगर आप करना चाहोगे. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ योर टेस्ट टाइम इज ओवर, नाउ अगेन कम टू द पॉइंट एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Importance of chemical changes. So metals are extracted from their naturally occurring compounds called ores by the series of chemical changes. Ores पता है ना? ठीक है, जो मतलब जब extract किया जाता है कोई भी metal, ठीक है, तो ores के साथ होता है वो, ठीक है, तो metals जो होते हैं ना, basically extract किए जाते हैं जब निकाले जाते हैं, ठीक है, naturally occurring compound, उसे ores कहते हैं. Extraction, ठीक है, extraction of metal. ठीक है, किससे? फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, उससे निकालना, मतलब जो भी हमारा रॉ हमने मेटल के साथ, क्योंकि जब हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ना खान से, जब हम निकालते हैं कोई भी मेटल, तो सिर्फ मेटल थोड़ी ना था, उसके साथ और भी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स भी होते हैं, तो उसको उससे एक्सट्रैक्ट करना जो होता है वो हमारा ओर होता है. वो एक्चुअली में केमिकल चेंजेस की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है, वहां पे भी केमिकल चेंज है. जो भी मेडिसिन दवाइयां होती है, दैट आर प्रिपेयर्ड बाय कैरिंग आउट अ चेन ऑफ केमिकल, यहाँ पे भी दवाइयों का मतलब क्या है बच्चा, आपको देखा कंपोजिशन लिखा रहता है हर टैबलेट पे, तो कैसे लिखा रहता है, कंपोजिशन का मतलब क्या है, जब वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, जब वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तभी तो केमिकल चेंज हो सब होगा ना, तभी तो मेडिसिन बनते हैं. इज दिस क्लियर? मटेरियल जैसे प्लास्टिक हो गया, सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, एसिड्स हो गए, बेसिस हो गए, सॉल्ट हो गया, ये सारे They all made here. This is your they. Okay. So they all made by carrying out various types of chemical changes. ये सारी चीजें जो बनती है ना, प्लास्टिक बनता है, सोप्स बनता है, डिटर्जेंट आपको क्या लगता है, डिटर्जेंट किससे बनता है, उसमें आप अगर आप देखोगे ना कंपोजिशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, वही तो केमिकल चेंज है, कि जब आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला रहे हो ना, या एक चीज कन्वर्ट हो रही है दूसरे में, ठीक है, दूसरे के साथ एक कोई भी सब्सटेंस दूसरे के साथ मिक्स होके कोई चीज बना ले, या एक के साथ बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलके आपस में कोई नई चीज बनाए, ठीक है, दैट इज योर केमिकल चेंज. तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, केमिकल चेंज है. एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड, जितने भी न्यू मटेरियल डिस्कवर किए जाते हैं ना स्टडी के लिए,
डिफरेंट टाइप्स, वो सारे केमिकल चेंजेस है एक्चुअली में. इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये ओर है, मेटल्स जो है कंपाउंड सेपरेट किए गए हैं, बिट्स ऑफ सैंड एंड रॉक्स, और फिर मेटल कंपाउंड यहाँ अलग हो गया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है यहाँ से. ठीक है, तो ये केमिकली सेपरेटेड किया गया है. ठीक है, मेथड अप्लाई किया गया है कि वो सेपरेट आउट हो जाए, ये फिजिकली आप नहीं कर सकते हो. इज दिस क्लियर टिल हियर? इज दिस क्लियर? ओके. होता क्या है, सेम सब्सटेंसेस कैन अंडरगो अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. डू यू नो वन थिंग, सेम सब्सटेंस जो होते हैं, चाहे वो टेयरिंग ऑफ शीट ऑफ पेपर हो, ठीक है, वहां पे वो फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं और वो केमिकल चेंज भी हो सकते हैं. दीज आर एक्सेप्शनल केसेस, और इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं. सो यू हैव टू लर्न दिस कि टेयरिंग ऑफ शीट ऑफ पेपर जो होता है वो एक्चुअल में आपका फिजिकल चेंज है, लेकिन जब उसे हम बर्न करेंगे, बर्निंग ऑफ शीट ऑफ पेपर जो है वो केमिकल चेंज है. सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना जो है वो फिजिकल चेंज है, लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स जो है, जलना उसका, वो केमिकल चेंज है. क्यों केमिकल चेंज है यहाँ पे? दोनों ही केस में, चाहे शीट को आप बर्न कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे वैक्स को बर्न कर रहे हो, दोनों ही केस में ये क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि यहाँ पे न्यू चीज फॉर्म हो रही है, दैट इज एश, जो धुआं, धुएं के साथ राख जो बनी है, दैट इज योर न्यू सब्सटेंस, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है. लेकिन अगर मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, वैक्स का पिघलना, वो कोई थोड़ी ना हो, तो फिजिकल चेंज हुआ ना, शेप में ही तो चेंज आ रहा है, और तो कुछ नहीं हुआ. आपने यहाँ पे टेयरिंग ऑफ शीट किया, तो जब आपने यहाँ पे टेयरिंग ऑफ शीट किया, तो यहाँ पे भी तो सिर्फ ये फिजिकली चेंज है यहाँ पे. इज दिस क्लियर? बर्निंग ऑफ शीट एंड बर्निंग ऑफ वैक्स, आपको इसके बारे में बताना है. इज दिस क्लियर? Till here, is this clear? Okay. Now, ozone layer. बच्चा आपको पता है why ozone layer क्यों important है हम सबके लिए? Because it protects us from harmful ultraviolet radiations which come from the sun. Sun से जो UV rays आ रही है ना, उससे हमें protect कर रहा है ozone layer. ठीक है, क्यों दिस हैपेंस? बिकॉज ओजोन जो है ना, एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और उसे फिर ब्रेक डाउन कर देता है ऑक्सीजन में, टू फॉर्म ऑक्सीजन. एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन, इसी को केमिकल चेंज कहते हैं. क्यों? न्यू चीज फॉर्म हो रही है ना. ओजोन जब टूट रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है, तो न्यू चीज फॉर्म हो रही है. ओजोन से ऑक्सीजन बन रहा है, केमिकल चेंज. Is this clear? So, if anyone will ask you कि ozone layer जो है उसका breaking, उसका टूटना क्या है, physical change है, chemical change है, तो आप बोलोगे वो chemical change है. Is this clear? So, what is ozone? Ozone is a molecule made up of three oxygen. तो basically ozone का formula आपको पता होना चाहिए, O3 होता है, O3. O3 का मतलब क्या है? O3 का मतलब है कि यहाँ पे तीन molecules है oxygen के. And function क्या ozone layer का? कि जो stratosphere है ozone का, वो जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है जितने भी यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज. आपको पता है अगर यूवी रेज अगर डायरेक्ट हमारे स्किन पे या हमारे ऊपर पड़ेगी ना, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी, तो वो हमारी स्किन को पूरा जला देगी, हम पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी. ठीक है, लेकिन डिस्ट्रॉय होने से बचाता है हमें ओजोन, क्योंकि वो उसके जितनी भी रेज है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. इज दिस क्लियर? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बच्चा है ना, वो इसी पे बेस्ड है. ठीक है, ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? जब एक्स जो होता क्या है ना, जब पॉल्यूशन एटमोसफेयर में, पॉल्यूशन बढ़ रहा है आज के टाइम में, ध्यान से सुनना, पॉल्यूशन जो है एटमोसफेयर में बढ़ रहा है. ठीक है, एटमोसफेयर में पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वो चाहे गाड़ियों का धुआं हो या फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो आजकल बन रहे हैं, उससे निकलता हुआ जो वेस्ट है, ठीक है, वो हो, कुछ भी हो, ठीक है, जब हम उससे करते क्या है, वो उसकी मात्रा जब अर्थ पे बढ़ जाती है ना, तो जब सन की रेस से जब हीट आता है ना अर्थ पे, तो वो आता तो है लेकिन वो वापस नहीं जा पाता है, वो वही ट्रैप हो जाता है, अर्थ पे ही ट्रैप हो जाता है, जिसके वजह से आप लोगों का हीट जो है ना, गर्मी मतलब एटमोसफेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड और इन सबकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यही इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग से ही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो उसी पे बेस्ड है. ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हमें रिड्यूस करना चाहिए फॉसिल फ्यूल, रीग्रो ट्री. सॉल्यूशन है इसका कि हमें फॉसिल फ्यूल को उसे वापस रीयूज करना चाहिए, रीग्रो ट्री, ट्रीज करना चाहिए. जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो हमारा सन से मिलने वाली एनर्जी हो, सोलर एनर्जी, कुछ उससे रिलेटेड
जो भी चीजें हम यूज कर सकते हैं घर में, सोलर सेल हो गया, ये सब जिसे हम बार बार चार्ज करके या बार बार हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। मेन कॉज इसका क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की जो मात्रा होती है ना वो बढ़ जाती है बने हुए फॉसिल फ्यूल जब हम जलाते हैं कोल को, ऑयल को, इन सबको। ठीक है, तो हमें हमें बेसिकली क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग से अपने अर्थ को बचाना है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ता चला गया तो धीरे 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 जितने भी ग्लेशियर्स है ना वो पिघल जाएंगे और ये पूरी दुनिया डूब जाएगी। इज दिस क्लियर? सो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। सो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम एयर और वाटर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। ठीक है, जब एक आयरन को ना आप हवा में छोड़ देते हो तो होता क्या है ना, हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, एयर में वाटर की मात्रा होती है, वो जब उसके कांटेक्ट में आता है ना तो उसपे एक ब्राउनी कलर का सब्सटेंस की एक लेयर, एक परत चढ़ जाती है जिसे रस्ट कहते हैं और इसी को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये भी केमिकल चेंज है क्योंकि जो रस्ट होता है ना वो भी एक क्या है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। जो रस्ट है उसके ऊपर ब्राउन कलर का जो एक एक परत चढ़ गई है दैट इज ऑल्सो अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्लियर? सो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब पता चल गया। ठीक है, सो कंडीशंस कौन कौन से है बच्चा रस्टिंग के, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से कंडीशंस होते हैं आप लोगों के रस्टिंग के। तो सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एंड सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ वॉटर और वॉटर वेपर। ये दोनों कंडीशंस बहुत ज्यादा नेसेसरी है आप लोगों के लिए। इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? सो ये दोनों भूलना नहीं है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन दोनों, वाटर वेपर की, इन दोनों कंडीशंस होंगी तो ही रस्टिंग हो पाएगा। रस्टिंग क्या क्या काम करता है, डू यू नो? वो कितने ग्रिल गेट्स आपने देखा होगा घर में, जितने भी आपके आयरन गेट्स, लोहे का जितना भी मटेरियल आपके घर में होगा ना, वो आप लोगों का धीरे 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 उसमें ऑटोमेटिकली आपका रस्ट आना शुरू हो जाता है, जैसे वो एयर और वाटर के, वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है। अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, उसे पेंट करके। इसीलिए कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो गेट्स होते हैं आपके घर में, जितने भी लोहे के आइटम होते हैं उसे पेंट इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो रस्ट को अवॉइड करता है। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। ग्रीस और ऑयल अगर डालें, जैसे कि आप साइकिल में डालते हो, ठीक है, स्कूटी में डालते हो, इसीलिए डालते हो ताकि वो जो है वो उसे रस्ट लगने से बचाए। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वनाइजेशन। बच्चा गैल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है ना, कि जो मोल्टन आपका आयरन, आपका मोल्टन जिंक में आयरन को क्या करना, डिप करना, ठीक है, और उसके ऊपर एक जिंक की ना लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है जंग लगने से, इसी को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलॉइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। अलॉइंग का मतलब क्या है बच्चा, कैन यू एक्सप्लेन मी कि अलॉइंग का मतलब, अलॉइंग्स पता है ना आपको वो क्या होते हैं? ठीक है, प्योर मेटल से अगर आप, अगर लोहे की का अगर आप किसी बिल्डिंग का अगर बेस फॉर्म करते हो तो आप क्या देखते हो वहां पे, कि वहां पे वो डिस्ट्रॉय होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए अलॉइज यूज करते हैं। तो यहाँ पे एलॉइंग करके भी कि हम क्या कर रहे हैं, लोहे को किसी और के साथ रिएक्ट कर रहे हैं आयरन को, और फिर स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ अभी, ठीक है, आप लोगों को ये चीजें भी पता होनी चाहिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो दीज फैक्ट्स, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि क्या फिजिकल और केमिकल चेंज इफ यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर, सो यू शुड नो द बेसिक थिंग रिलेटेड टू दिस। आप लोगों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, फिजिकल चेंज में। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो एलॉइंग में आपने क्या किया, एलॉइंग में आपने जो भी आपका आयरन था उसे कार्बन, क्रोमियम और निकल के साथ जब आपने उसे मिक्स किया, ठीक है, तो उससे फिर स्टेनलेस स्टील बनाए। ये भी एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम रस्ट को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मेथड्स हैं, हम ये मेथड्स हमारे लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि हमें कोई भी आयरन का, कोई भी हमारे पास, चाहे वो गेट हो, चाहे कोई भी मतलब गैजेट हो, कुछ भी हो, हमें अगर उसे सुरक्षित रखना है, हमें उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले है पेंटिंग,
देन आपका हो जाएगा ग्रीस ऑयल को यूज करके, देन गैल्वेनाइजेशन एंड देन अलॉय करके, ठीक है, कि उसे दूसरे जो भी आपका, जैसे कि आपका निकल हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, इनके साथ मिक्स करके आप स्टेनलेस स्टील बना सकते हो. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन? सो द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है सब्सटेंस का, उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है. देखो मैं आपको बताती हूँ आपको क्रिस्टल्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं. मैं आपको बिल्कुल इजी चीज बता रही हूँ जो आप घर में कर सकते हो. आप एक बीकर लो, ठीक है, एक बीकर में आप क्या करो, पानी भरो. पानी भरने के बाद कोई भी बर्तन भी ले सकते हो आप, उसमें पानी भरा और उसमें आपने शुगर डाला और नीचे से ना फ्लेम बर्नर जला दिया. ठीक है, अब शुगर आप जब डालोगे वो पिघल के उसमें घुल जाएगी, फिर शुगर डालो, फिर वो घुल जाएगी, फिर शुगर डालो, फिर घुल जाएगी, फिर शुगर डालो. उस लेवल तक शुगर डालो जब तक कि आपको दिख रहा है कि वो एब्जॉर्ब करना बंद नहीं हो रही, क्योंकि उससे ज्यादा वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता उसमें नहीं है. कर दिया, अब उसको क्या करो, उसे ठंडा कर दो. ठीक है, जब उसे ठंडा करोगे और जब उसे छानोगे तो जो आपको ना कांच जैसे क्रिस्टल्स मिलेंगे, दैट इज योर एक्चुअली अ क्रिस्टल. ठीक है, यहाँ पे भी देखो आपने क्या किया, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में तो डिफरेंस पता है. तो सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, सॉल्यूट जो हम ऊपर से डाल रहे हैं. तो शुगर को अगर पानी में घोल रहे हैं तो शुगर जो है वो सॉल्यूट होगा और पानी जो है वो सॉल्वेंट होगा. इज दिस क्लियर? तो सॉल्वेंट ने क्या किया यहाँ पे, सॉल्वेंट में हमने जैसे यहाँ पे डाला है, ठीक है, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कुछ और हो, ठीक है, उसे हीट किया है और फिर उसको फिल्टर पेपर से क्या किया है, उसको छान दिया है. ठीक है, और उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया. आफ्टर सम टाइम यू विल सी क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड देयर, क्रिस्टल फॉर्म हो चुके हैं दे, ठीक है, वहां पे. और यही क्रिस्टल्स जो है फिर आपको आगे, मतलब बेसिकली आपको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं क्रिस्टलाइजेशन में. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is this clear? So these are the things which we have done today. Okay. So till here you have to do. So how many things we have done today? I am recapitulating the whole thing. सबसे पहले हमने physical change, chemical change पढ़ा. क्या होता है physical change? जब shape, size and color में change आता है, basically उसे हम physical change कहते हैं. Chemical change when a new substance is formed. After then हमने काफी सारे अलग अलग topics पढ़े हैं. Physical change, chemical change का मैंने आप लोगों को test भी करवाया है. ठीक है, रस्टिंग आज किया हमने, ग्रीन हाउस किया, ओजोन लेयर किया है, इंपॉर्टेंस किया हमने कि क्या इंपॉर्टेंस है केमिकल चेंजेस का. ठीक है, हमने डिफरेंस किया है केमिकल और फिजिकल चेंज के बीच का. सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डन टुडे. इफ यू, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने किया है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कशन की है हमने, ओजोन लेयर की बात की है, रस्ट क्या है हमने वो बात की है, नेसेसरी कंडीशंस हमने इसकी बात की है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर बहुत ज्यादा जरूरी कंडीशन है रस्टिंग के लिए. इसके बिना आप रस्टिंग नहीं होगी. अगर ये चीजें नहीं है कहीं तो आपका कोई भी या कोई भी लोहे का आइटम जो है वो उस पर रस्ट नहीं जाएगा, नहीं जमेगा जाके, वो लेयर ब्राउनिश लेयर फॉर्म नहीं होगी अगर ये दोनों चीजें नहीं है. और ये किन किन चीजों को डैमेज करता है मैंने सब बता दिया है. पेंट, ग्रीस ऑयल, गैल्वेनाइजेशन, स्टेनलेस स्टील अलॉयिंग करके बनाना, इन सभी मेथड से आप रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हो. क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से बनता है. तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डन टुडे. इफ यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू आस्क इन नेक्स्ट सेशन. ओके, वेन एवर आई विल टेक दिस चैप्टर अगेन, आई विल गिव यू टाइम फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स. ओके, जो भी डाउट्स होंगे आपके यू विल क्लियर इट. ठीक है, नेक्स्ट सेशन वेन एवर आई विल टेक दिस चैप्टर अगेन. ओके, so thank you so much for watching this video. I really enjoyed a lot with all of you. Okay, so one very important thing, as I always say to you all, that please don't forget to subscribe and like my channel and my video, as I need some subscribers so that I can teach you all, as I'm a new person in this Unacademy, so I need some subscribers. Bina bachcho ke teacher jo hai na wo enjoy nahi kar pata hai, theek hai, aur पढ़ाने में मजा तभी आता है जब स्टूडेंट्स होते हैं.
सो आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से सबसे जाके यू कैन आई थिंक आप कह सकते हो कि अन अकेडमी ज्वाइन करो और आप जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट्स आके सीमा मैम से पढ़ना है आप सबको, सीमा मैम से पढ़ो, ठीक है. आई विल मेक मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग पीपीटीज एंड दीज प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच. बाय 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 बच्चा बच्चा लोग बाय बाय.